आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव सिसोटा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 50 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। 3100 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान भगवान सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चलें कि भगवान सिंह दूसरी बार इस गांव के प्रधान हैं। 4 वर्ष में इन्होंने इस गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी किस किस समस्याओं से गांव जूझ रहा है, आइए जानते हैं प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के सिसोटा गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहां 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक करवाए हैं गाँव में? हमने गाँव में 80% लगभग गाँव के सड़क का निर्माण करा दिया है, 20% बचा है और काम जो काफी गुणवत्ता के साथ कराया गया है और शौचालय भी बनवा दिए गए हैं और ओडीएफ ग्राम पंचायत हो गई है और सभी काम जो है यानी हिसाब से जो है उसके क्या आवास मिले हैं यहाँ ग्राम पंचायत में? नहीं, अभी आवास नहीं मिले। पहले नहीं, पहले जो है 2011 की सूची के अनुसार 11 आवास बने थे। यहाँ जो सरकार की योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या सभी लोगों को मिल पाता है? हाँ, सब सब लोग किसानों के खातों में सम्मान निधि का जो पैसा है, किसान सम्मान निधि का कितने परसेंट लोगों को यहाँ मिला है? किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि लम सब 70% लोग, कुछ लोगों का जो खाते होते खराब होने की स्थिति है उसकी प्रक्रिया। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है? हाँ, मैंने 75 जो है 16-17 में 75 सोलर लाइट लगवाई थी। डस्टबिन वगैरह लगवाए? हाँ, डस्टबिन लगवाए। स्कूल पर क्या कार्य करवाए? स्कूल के जो 5 स्कूल है मेरी ग्राम पंचायत में, 2 जूनियर हाई स्कूल, 3 प्राइमरी, उनकी सारी बाउंड्री टूटी हुई थी। सारी बाउंड्री जो है 9 इंची में सब सब कुछ टाइल्स वगैरह। पढ़ाई का स्तर, जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है स्कूल में? आप जा बीच में जा जा के जो है निरीक्षण वगैरह करते हैं, देखते हैं? शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर है, पहले खराब था, अब आप जाते रहते हैं? हाँ, जाता रहता हूँ। आपके गांव में स्कूल के अलावा बारात घर है? बारात घर नहीं है, पंचायत घर। पंचायत घर जब मैं पहले प्रधान था 95 में, उस समय में मजरा है बहादुर वहाँ बनवाया था, परंतु जिला यानी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कोई पंचायत का बना था। आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र एक बहादुरपुर में बना हुआ है, एक सिसोटा में बना हुआ है और 4 की और आवश्यकता है, 6 जो है यानी 6 आंगनवाड़ी। यहाँ खेल का मैदान है? खेल का मैदान नहीं है। शमशान घाट कब्रिस्तान? शमशान घाट कब्रिस्तान है। बाउंड्री वॉल हो रही है? बाउंड्री वॉल नहीं हो रही। यहाँ पर आप अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सबसे पहले एक जो है बरातघर हो, बरात के यहाँ बनाना है उसके लिए, और एक स्वास्थ्य केंद्र हो। स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए यहाँ पर। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से अस्पताल संभल है, संभल यहाँ से 17-18 किलोमीटर 17-18 किलोमीटर दूर यहाँ जो है मरीजों को जाना पड़ता है, परेशानी काफ़ी होती होगी। क्या कभी अस्पताल के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए आपने कोई प्रस्ताव यहाँ रखा है? हाँ, पहले भी मांग कर की थी मैंने, हाँ, जब न्यूज चैनल के माध्यम से वैसे भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं। और कुछ आप कहना चाहेंगे? सरकार जो ये काम कर रही है आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? नहीं, सरकार सही काम कर रही है, हमारे अथक प्रयासों से हमारा जो रास्ता यानी नवाड़े से लेकर सिरसी तक बहुत ही खराब स्थिति में था। हमने माननीय सांसद जी सतपाल सिंह सैनी जी से कहा, हमारे अनुरोध के अनुसार उन्होंने एक शिफ्ट में नवाड़े से बढ़ाई तक यानी सड़क जो करा दी और दूसरे शिफ्ट में बढ़ाई से सिरसी तक सही रोड करा दिया। काफ़ी मतलब अच्छे कार्य सरकार यहाँ कर रही है। सही, सरकार संपूर्ण करे कार्य संतुष्ट। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास यहाँ इस गांव में प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, शौचालय से गांव ओडीएफ हो चुका है, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, ये सब कार्य यहाँ पर करवाए गए हैं। इसके अलावा कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ अभी भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर के लिए यहाँ प्रधान मांग रखते हैं, पंचायत घर भी एक यहाँ होना चाहिए, केवल एक छोटे मजरे में है।
सबसे प्रमुख मांग जो यहाँ प्रधान ने की है वो उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर की है। एक स्वास्थ्य केंद्र इस गांव में जरूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ से अस्पताल की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी हद तक परेशानी उठानी पड़ती होगी। अशरफ अली के साथ में नाजरीन।